नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम्स में आपका स्वागत है। और इस समय लहसुन मंडी में ही है। कुछ किसानों से अपन मिले थे, वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। कुछ किसान और हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, वो नाखुश है। किस लिए नाखुश है, क्या समस्या है, उन्हीं से जानेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप? राजपुर खेड़ा से। कहाँ पर आता है ये? पिपलिया कुलमी के पास आता है हमारा गाँव। पिपलिया कुलमी मतलब कौन सा जिला? क्या जिला? राजगढ़। राजगढ़ जिला मतलब? राजगढ़ जिले से आए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैं यहाँ तीन दिन से परेशान हो रहा है। नीलामी के लिए एक लाइन ले लेते हैं, फिर उधर चल जाते हैं व्यापारी भाई। हाँ। और मेरा माल अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कब आए? कब से आप? परसों के दिन से आए हम, 6 बजे यहाँ पर। 6 बजे शाम को आ गए थे। अंदर ढेर लगा दिया था 6 बजे शाम को? ढेर इसमें लगाया था, स्टेपरा में भी, कल भी नीलामी हुआ। फिर कुछ ने बोला कि यहाँ नीचे खाली करार दो, तो हमने 500 रिवॉल्व लगा के फिर नीचे ढेर करवाया है। फिर भी हमारा माल पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और कौन सी दिक्कत आ रही? खाने पीने की क्या समस्या आ रही है? खाने पीने की, मैं अकेला आदमी, इसको डेर को छोड़ के जाता है तो यहाँ पर थैले भर के ले जाते हैं, ऐसी समस्या आती है। अभी माँ भर के ले जा रहा था, हम छोड़ा के लाया थैली। अच्छा, ऐसा। और बच्चों को डांटिया भी हमने, क्योंकि इसकी आदत बहुत ख़राब है, फिर आदत पकड़ागा। और दूसरी सही बात है। और किसी को आप कब आए? हम कल ही आए। कहाँ से आप? हम धार जिले के टकरावदा गाँव से। तो क्या क्या आपकी नीलामी हुई कि नहीं हुई? अभी हमारी दोपहर बाद का बोल रहे हैं, अब देखते हैं। अब इनकी नहीं हुई तो हमारी हो सकता है नहीं होगी। आप ये तो परसों के आए थे, आप कल आए हैं? हाँ, कल ही आए। तो अच्छा, कौन सी लाए आप लहसुन? हम लहसुन आए आमलेट। आमलेट? हाँ। तो क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद लग रही है अच्छा भाव मिलना चाहिए। पहले आए थे आप? पहले आए थे। पहले क्या भाव हुई? पहले 9,000 रुपये बिकी हमारी लहसुन। वही वेरायटी आप वापस लाए गए? हाँ, वही वेरायटी लाए। सूख गई होगी अब तो थोड़ी? हाँ, और अच्छी ज़्यादा सूखी हुई है। तो जब ये जो बीच में पिपलिया मंडी मंदसौर थी, वहाँ क्यों नहीं रुके? ये क्या है, यहाँ का थोड़ा ज़्यादा रहता है कि यहाँ अच्छा भाव दाम मिल जाता है, उससे कई गुना बेटर यहाँ का बताते हैं और मिलता भी है। आप पहला अनुभव भी है? पहले भी आ चुके? पहले 3-4 बार आ चुके हैं हम यहाँ नीमच मंडी में। बाकी मतलब अभी जो लेट नीलामी हो रही है उसको लेकर है? हाँ, थोड़ी सी असुविधा हो रही, ताकि सबको मतलब समय पे बिक जाना चाहिए। टाइम टू टाइम जिसका जो लाइन में जहाँ खड़ा है उसको, उसके हिसाब से बिक जानी चाहिए लहसुन। आप कहाँ से? पारखेड़ी खिलचेपुर तहसील, राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिला। आप भी लहसुन लेके आए? नीलामी बाकी आपकी? हाँ बाकी। आप कब आए थे? हम आए यार सवेरे सवेरे, सुबह 5 बजे। आज ही? आज। तो आज अभी तो नीलामी आज ही है, मतलब कुल मिला के 3 किसान हैं। ये आज आए, ये कल आए और ये परसों आए। फिलहाल तीनों की सिचुएशन एक जैसी है, तीनों की नीलामी नहीं हुई है। पर इनका बात सही है, इन्होंने पहले छपरे में ढेर लगाया था, उसके बाद फिर इनको इधर कहा गया, इधर लगाया, उसमें भी खर्चा हो गया और 3 दिन से यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं। तो मंडी प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस तरह के जो किसान हैं उनकी समस्या तो का समाधान लेना चाहिए। मतलब परसों का आया ना, उनको पहला लेना चाहिए। जो बाद में से हम आन खाली कर दिन झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से सवेरे जल्दी आ जाते हैं, उधर लगा देते हैं तो उनकी बिक जाती है, उनकी बिकती नहीं। अच्छा, आप लोगों ने मंडी प्रशासन से बात करी क्या? किसी से बात नहीं करी। तो थोड़ी सी किसान भाइयों को भी जागरूकता की जरूरत है, और क्योंकि दिक्कत ये है कि मंडी प्रशासन को यदि पता चलेगा तो स्वाभाविक है कि वो भी इस ओर ध्यान देगा, और जो किसान पहले से आए हुए उनकी नीलामी जरूर होगी। विजित महाटिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।